हेलो फ्रेंड्स, उन्नति कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा उत्तर प्रदेश। जी हाँ, आज मैं आपको लेके चलूंगा उत्तर प्रदेश की ओर। उसका करेंगे हम आज अध्ययन कि उसमें क्या क्या बातें इम्पॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सभी टॉपिक जो मैं कवर करूँगा वो करूँगा लूसेंट उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान बुक में से। इसका चैप्टर 5 आप ओपन कर लीजिए, संरचना एवं भू आकृति इसमें चैप्टर का नाम होगा, उसको ओपन करिए और जो जो पॉइंट मैं आपको अभी हाईलाइट करके दिखाऊंगा वो सभी पॉइंट आपको याद करने हैं अच्छे से और समय समय पर उसका रिवीजन करना है। चैप्टर 4 ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो अपलोड हम कर चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उत्तर प्रदेश की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी वीडियो मिलते हैं उन सबको देखिए। अगर आप डेडिकेटेड उत्तर प्रदेश की वैकेंसी जो भी निकलती है वो सभी आप फिल करते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी स्टेट से काफ़ी हद तक बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए स्टेट की नॉलेज लेनी है तो ये बुक आपको सबसे पहले मार्केट से जाके परचेज करनी है, ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगी। अगर आप मार्केट से परचेज करना नहीं चाहते हैं तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करके भी परचेज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाना और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स वगैरह, तो उन तक इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर करिए, अपने फेसबुक में शेयर करिए, मैक्सिमम शेयर करिए, क्योंकि आप भी पढ़िए, आगे बढ़िए औरों को भी पढ़ने का मौका दीजिए। शेयर के माध्यम से वो भी पढ़ेंगे और वो भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। तो चलिए शुरू करते हैं। संरचना एवं भू आकृति। अब देखिए जो इसमें सेकंड जो पॉइंट है वो देखते हैं कि हम लोग भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है भारत के प्राचीनतम महाद्वीप का एक भूभाग है। तो महाद्वीप तो है, इसका एक छोटा सा भाग है उत्तर प्रदेश, लेकिन इसका नाम क्या है महाद्वीप का, इस महाद्वीप का नाम बताइए, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है वो। तो इस महाद्वीप का नाम है गोंडवाना लैंड। अब देखिए उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचनाओं में चट्टानों को निम्नलिखित चार क्रम मिलते हैं, चार क्रम की चट्टाने हैं, तो ये नाम आपसे नहीं पूछेगा लेकिन आपसे महाद्वीप का नाम पूछ सकता है। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए विंध्यन क्रम की चट्टाने किस प्रकार की होती है थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर की ओर निकला हुआ भाग, जिसका निर्माण होता है कैम्ब्रियन युग में। जिसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण हुआ था कैम्ब्रियन युग में। तो आपसे एग्जाम में ये पूछ लेता है कि विंध्यन क्रम के चट्टानों का निर्माण कौन से युग में हुआ था, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क आपको लगा के देगा। तो वहां पे आपको इस युग का नाम याद रखना है, इस युग का नाम है कैम्ब्रियन युग। पॉइंट नंबर 2, देखिए पॉइंट नंबर 2 में इसकी बात कर रहा हूँ कि विंध्यन क्रम के चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है, और इन चट्टानों का नाम क्या है, इन चट्टानों का नाम विंध्यांचल के नाम पर ही पड़ा। उसके बाद में इन क्रम के चट्टानों में जीवाश्मीय अवशेषों का अभाव पाया जाता है, ये जीवाश्मों के द्वारा नहीं बनती है चट्टाने। अब देखिए विंध्यन क्रम के परतदार चट्टानों में डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, चीनी मिट्टी, अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी एवं वर्ण मिट्टी मिलती है या पाई जाती है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में ये पूछ लेता है कि विंध्यन क्रम की परतदार चट्टानों में क्या चीज नहीं पाई जाती है, ठीक है, नहीं पाई जाती है। आपको तीन ऑप्शंस में ये सब नाम देगा और चौथे में कुछ अलग और नाम देगा, तो आपको पूरे नाम ये सब एज इट इज याद रखने हैं। यूपी का कोई सा भी अगर आप एग्जाम देते हैं, चाहे आप छोटे से छोटा एग्जाम देते हैं यूपी का या फिर बड़े से बड़ा एग्जाम देते हैं, वहां पर ये बुक आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाली है। तो आपको अगर स्टेट के बारे में बहुत डीप पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो आप इस बुक को परचेज कर लीजिए। और इन सभी फैक्ट को जो आपके सामने मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो सब आप ये लोग येलो से आप देख रहे हैं हाईलाइट करा हुआ है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब देखिए कैमूर श्रेणी का निर्माण विध्यन शैलों द्वारा हुआ है, जिसमें कठोर बलुआ पत्थर, क्वार्ट जॉइट एवं कांग्लोमरेट खनिज पाए जाते हैं।
अब देखिए दिल्ली का जो लाल किला है, जामा मस्जिद है, सांची का स्तूप, आगरा का किला, सिकंदरा तथा फतेहपुर सीकरी इन्हीं बलुआ पत्थरों से बना है। किस पत्थर से बना है ये, अगर आपसे पूछेगा कि दिल्ली का लाल किला किस प्रकार के पत्थरों से बना है, तो ये बना है आपका बलुआ पत्थर से। बुंदेलखंड निस का निर्माण जो है वो आध्य कल्प में हुआ था। कब हुआ था इसका? आध्य कल्प में। बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप केवल इसको याद रखना। टर्सियरी चट्टाने, टर्सियरी चट्टाने एक्चुअली होती क्या है? देखिए उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में अवस्थित हिमालय पर्वतमाला का निर्माण किस कल्प में हुआ था? तो ये हुआ था टर्सियरी कल्प में। और गोंडवाना लैंड एवं अंगारा लैंड के मध्य स्थित है क्या? टैथिस सागर। टैथिस एक सागर था, इसमें अत्यधिक मात्रा में अवसादों का निक्षेपण हुआ एवं भूगर्भिक हलचलों के बाद में क्या हुआ? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हुई तथा यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। तो आपस में ये प्लेट टकराई और उसके बाद में इसका निर्माण हुआ। तो आपको याद रखना है कि टैथिस सागर किस किस के मध्य स्थित है, तो ये है आपका गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के मध्य। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वतमाला का शिवालिक श्रेणी जो है वह विस्तृत है और हिमालय की अन्य श्रेणियों की तुलना में बहुत छोटे आकार होने के कारण इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उप हिमालय। इसको उप हिमालय भी कहा जाता है। अब देखिए शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो हुआ था वो रेत कंकड़ पत्थर एवं कांग्लोमरेट से हुआ है और शिवालिक श्रेणी में अनेक नदियों की घाटियां अभी नीतियों में विस्तृत है, जिसे लंबवत घाटी कहते हैं, दून और दुधार कहते हैं, देहरादून, कोथरी दून तथा पटली दून इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं। देखिए शिवालिक श्रेणी में स्थित क्या क्या है, कौन कौन से दर्रे हैं प्रमुख? तो बोलन, खैबर और गोमल दर्रे कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं शिवालिक श्रेणी में। अगला जो है वो है आपका क्वार्टनरी समूह की चट्टाने। तो उत्तर प्रदेश के दक्षिण में विंध्यन क्रम और उत्तर में टर्सियरी क्रम, जिसको हम बोलते हैं शिवालिक श्रेणी के बीच में गंगा यमुना का मैदान है। कहाँ पर है गंगा यमुना का मैदान? तो यह है आपका इस पोजिशन में। यह मैदानी भाग कौन से युग में बना? तो ये बना आपका प्लासीटोसीन युग से वर्तमान तक अवसादों के निक्षेप का प्रतिफल है। प्रदेश में मतलब उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना के मैदान में संचित काप की परतें काफी मोटी होती हैं। प्राचीन काप बांगर, नवीन काप खादर कहा जाता है। और शिवालिक क्रम की पहाड़ियों से जब नदियां उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना के मैदान में प्रवेश करती हैं, तो शुरुआत के कुछ क्षेत्रों में अपने साथ लाए कंकड़ पत्थर और बालू के मोटे कणों का निक्षेपण करती है। ऐसे क्षेत्र को भावर क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे क्षेत्र को? ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र के बाद महीन अवसादों वाले विस्तृत समतल क्षेत्र को बोलते हैं तराई क्षेत्र। खादर, बागर, भावर तथा तराई क्षेत्र का निर्माण किस प्रकार के समूह के चट्टानों से होता है? तो ये हुआ है आपका क्वार्टरनरी समूह के चट्टानों द्वारा। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश भौतिक विभाजन। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में विस्तृत क्षेत्र को हम बोलते हैं भावर और तराई क्षेत्र, और कंकरीली एवं पथरीली मृदा द्वारा निर्मित क्षेत्र को हम बोलते हैं भावर, तथा महीन जो होती है महीन होती है तराई, महीन परत तराई, मोटी परत भावर। भावर क्षेत्र की लंबाई में विस्तार उत्तर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक कुल 14 जनपद क्रमशः सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज एवं कुशीनगर में है। तो इम्पोर्टेंट केवल इसमें सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक कुल कितने जनपद हैं? तो वह हैं आपके 14 जनपद। बस आपको इतना याद रखना है, जनपद के नाम आवश्यक नहीं है इतने। सहारनपुर जनपद के आसपास भावर क्षेत्र की चौड़ाई लगभग कितनी है? वो है आपकी 34 किलोमीटर। और भावर क्षेत्र की दक्षिण में ठीक इसके समानांतर संकीर्ण पट्टी के रूप में तराई अर्थात तरी वाला क्षेत्र का विस्तृत समतल नम एवं दलदली मैदान का विस्तार है। तराई क्षेत्र की चौड़ाई पूर्वी उत्तर प्रदेश में 80 से 90 किलोमीटर तक है, लेकिन पश्चिम में सहारनपुर तक इसकी चौड़ाई में निरंतर
कमी आती जाती है। तराई क्षेत्र समतल और नम होता है। इसका निर्माण महीन अवसादों से होता है। तो ये पॉइंट आपको प्लीज याद रखने हैं, एग्जाम में भूलना नहीं है, होपलेस नहीं होना है, घबराना नहीं है। एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है कुछ बच्चों का, तो अपना स्ट्रेस लेवल टर्मोइल ज़्यादा जनरेट नहीं करना है, और जनरेट कम नहीं होगा। एक्चुअली हमारा कॉन्फिडेंस लूज तब होता है जब हमारी तैयारी में खोट होता है। जब हमारी तैयारी अच्छी नहीं होती तब हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक लूज हो जाता है। कॉन्फिडेंस बनेगा आपकी स्टडी से। स्टडी तब होगी जब आप ध्यान लगा के स्टडी करेंगे और समय समय पर उसका रिविजन करेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं, देखिए तराई क्षेत्र की जलवायु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। इस क्षेत्र में मलेरिया का अत्यधिक प्रकोप होता है। किसका रोग रोग क्या है? रोग का नाम है मलेरिया। तो मलेरिया आप याद रखना। तराई क्षेत्र में सलेम, साग, साखू, हल्दू, तंदू आदि के वृक्ष और सवाना प्रकार की लंबी घासें पाई जाती हैं। तराई क्षेत्र में किस प्रकार की घासें पाई जाती हैं? तो यह है आपका लंबी घास। गंगा यमुना का मैदान उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग के पठारी प्रदेश और उत्तर के भावर एवं तराई क्षेत्र के मध्य विस्तृत मैदानी क्षेत्र को गंगा यमुना का मैदान या गंगा यमुना का दोआब कहा जाता है। और भूगर्भिक दृष्टि से इस मैदान का निर्माण अभिनूतन एवं अति नूतन काल में हुआ। इस मैदान के पश्चिम एवं पूर्वी सीमाओं का निर्धारण क्रमशः यमुना एवं गंडक नदी द्वारा होता है। अब देखिए, समुद्र तल से इस मैदान की ऊंचाई सामान्यतः कितनी मीटर तक है? 80 से 250 मीटर तक। बागल क्षेत्र क्या होता है? बागल क्षेत्र इस मृदा की सतह से नीचे चूने की गांठें मिलती हैं जिन्हें कंकड़ कहते हैं। तो सतह पर जो गांठें वगैरह मिलती हैं तो उसको बोलते हैं कंकड़। और यह जो मिट्टी होती है यह मृदा रबी की फसलों के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। किसकी फसलों के लिए? रबी की फसलों के लिए। खादर, खादर नवीन मतलब नई प्रकार की मिट्टी होती है। और खादर क्षेत्र का तात्पर्य जो है वो है कछार से, ठीक है, याद रखना। अब देखिए, खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा भारी मात्रा में आवरण क्षय होने से बिहड़ों का निर्माण होता है। दक्षिण का पहाड़ी क्षेत्र, देखिए बुंदेलखंड का पठार के नाम से जाना जाने वाला यह पठारी भाग वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी विस्तार है। और इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो यह है आपकी 300 मीटर। इस पठारी प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है सोनाकर। और इस पठारी प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों के नाम, चंबल, बेतवा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों नदी केन, सोन और टोंस प्रमुख नदी हैं। तो इन सबके नाम आपको याद रखने हैं, चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोंस। इन नदियों में चंबल, बेतवा और केन नदी इस पठारी भाग को काटती है और यमुना में तथा सोन और टोंस नदी गंगा में मिलती है। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि सोन और टोंस नदी कहाँ पर आपस में मिलती है? तो ये मिलती है गंगा में। नाम याद रखना, गंगा। और मिर्जापुर में प्रसिद्ध विंडम जलप्रपात स्थित है। विंडम जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ सकता है आपसे। तो आपको याद रखना है कि आप मिर्जापुर। अगर हम बात करें कि इस प्रदेश की प्रमुख फसलों में सरसों, ज्वार, गेहूं, चना तथा अरहर प्रमुख है, तो इस प्रदेश में मतलब कि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो इस प्रदेश में आप कंफ्यूज मत होना। मतलब कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख फसलों के नाम क्या क्या हैं? सरसों, ज्वार, गेहूं, चना और अरहर। अब हम बात करते हैं इसके प्राकृतिक विभाजन के बारे में। प्राकृतिक विभाजन के बारे में अगर बात करें तो इसके दो भाग हैं, एक है मैदानी प्रदेश और एक है दक्षिण पठारी प्रदेश। एक भाग मैदानी और दूसरा है पठारी। तो अब हम बात करते हैं, देखिए मैदानी प्रदेश को भी हम तीन भागों में डिवाइड करा गया है, उत्तरी गंगा का मैदान, मध्य एवं पूर्वी गंगा का मैदान। तो तीन भागों में डिवाइड करा है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, इस मैदान भाग की लंबाई कुल कितनी है? 50 किलोमीटर। अगर बात करी जाए लंबाई की, ठीक है, तो लंबाई हमसे यहाँ पे कह रहा है कि ये है 500 किलोमीटर। और बात करें अगर चौड़ाई की, तो चौड़ाई है इसकी 80 किलोमीटर। तो इस भाग की लंबाई चौड़ाई एक्चुअली UPSC GS पेपर 1 में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है।
इसको पेन डाउन कर लेना, अगर बुक आपके पास में नहीं है, आप डायरेक्ट बस वीडियो देख रहे हैं, बुक बिना लेकर के बैठे हुए हैं, तो A4 पेज पे इन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार नोट कर लेना। अब देखिए, इस मैदानी क्षेत्र की जलवायु जो है वो है आपकी उष्णार्ध, मतलब उष्ण टाइप की यहाँ की जलवायु है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा जो है वो कितनी है, 100 से 150 सेंटीमीटर, और इस जगह पर सघन वनों के मध्य सवाई एवं समसई नामक लंबी प्रजाति की घासें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो घास होती है, घास की प्रजाति कौन कौन सी पाई जाती है, एक है आपकी सवाई तथा समसई। अब इस प्रदेश की मिट्टी गन्ना एवं चावल की खेती हेतु अनुकूल होती है, लेकिन वनों की अधिकता के कारण कृषि फसलों का समुचित विकास नहीं हो पाता, क्योंकि वन बहुत अधिक है, जो पोषक तत्व इनको मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते, तो कृषि फसलों को समुचित जो होता है विकास उनका नहीं हो पाता है। उसका रीजन यही है कि यहाँ पे वनों की अधिकता होती है। अब देखिए, गंगा मध्य का मैदान, मतलब मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा के मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए काप मिट्टी के निक्षेपण से होता है, और नवीन काप मिट्टी वाले क्षेत्र को खादर तथा प्राचीन काप वाले क्षेत्र को बांगर कहा जाता है। प्राचीन मतलब ओल्ड, ओल्ड का मतलब बांगर, बांगर का मतलब बंगार, बंगार का मतलब क्या होता है, कबाड़ी वाला। हम कहते हैं ना, पुराना सामान हम कहाँ बेचते हैं, ओल्ड सामान हम बेचते हैं कबाड़ी वाले को। तो ओल्ड मतलब प्राचीन, प्राचीन मतलब बंगार, बंगार का मतलब बांगर, ठीक है। ऑटोमेटिक दूसरी जो खादर है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी नई मिट्टी। देखिए, इस मैदानी भाग में बालू के टीले पाए जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूर या मुंड। और भूर का निर्माण किस काल में हुआ था, तो ये हुआ था प्लासीटोसीन काल में। और मध्य गंगा के मैदानी भाग की जलवायु किस प्रकार की है, तो ये है आपका महाद्वीपीय प्रकार की। और ग्रीष्म काल में इस प्रदेश का औसत तापमान था 40 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक। और अगर बात करें ठंड के टाइम पे, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, इसका टेम्परेचर होता है 18 से 20। औसत वार्षिक वर्षा जो बताई जाती है वो है यहाँ पर 60 से 100। तो आपको वर्षा, टेम्परेचर, ग्रीष्म काल में क्या होता है और शीतकाल में टेम्परेचर कितना होता है, तो आपको दोनों ही याद रखना है। अब हम बात करते हैं पूर्वी गंगा का मैदान। इसमें हमको याद करना है ऊंचाई लगभग कितनी है, ऊंचाई है इसकी 80 से 100। और इस मैदान प्रदेश में खादर क्षेत्रों का काफी विस्तार है, काफी क्षेत्र में क्या फैला हुआ है, खादर। अब देखिए, ग्रीष्म ऋतु में इस मैदानी भाग का औसत तापमान जो है 28 से 31 है, शीत में 15 से 18, और औसत वार्षिक वर्षा है इसकी 100 से 125, 100 से 125, ये आप याद रखना। दक्षिणी पठारी प्रदेश, इस प्रदेश के अंतर्गत क्या हुआ, बुंदेलखंड तथा बंगेलखंड के पठारी भूभाग शामिल हैं। और बुंदेलखंड पठार प्राचीनतम बुंदेलखंड नीच से बना हुआ है, और बुंदेलखंड पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, 300 से लेकर के 60 मीटर तक। औसत ऊंचाई किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है बुंदेलखंड के समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है, तो बुंदेलखंड से जो समुद्री तल से इसकी ऊंचाई है वो है 300 से 600 मीटर। अब हम बात करते हैं बघेलखंड का पठार। देखिए, विंध्यन श्रेणी के पूर्व बंगेलखंड का पठार फैला हुआ है, इसके उत्तर में सोनपुर और दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियां अवस्थित है। इस पठारी प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 450 मीटर है। और उत्तर प्रदेश में यह पठारी प्रदेश क्या है, मिर्जापुर जनपद में फैला हुआ है। कहाँ पे, मिर्जापुर जनपद में। अब जो सोन नदी है, सोन नदी बघेलखंड पठारी तंत्र की प्रमुख नदी है, तो आपसे एग्जाम में ये पूछ लेता है कि बघेलखंड पठारी तंत्र की फेमस नदी कौन सी है, प्रमुख नदी कौन सी है, तो वो है आपकी सोन नदी। अब हम बात करते हैं फिलहाल एमसीक्यू क्वेश्चंस की। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हमने अभी पढ़ा है उसी में से ये क्वेश्चन उठ के आए हैं यहाँ पर, ठीक है। उठ के मतलब कि प्रिंट हुए हैं इस बुक में, उठने का मतलब ये नहीं कि सो करके आए हैं, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम, सबसे नई है, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपकी गोंडवाना लैंड। अभी हमने पढ़ा था ना ये क्वेश्चंस, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी। आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र
आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। अभी आपने कितना ढंग से पढ़ा है ये वीडियो, कितने अच्छे से वीडियो देखा है, वो इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। अगर आपके इन सभी के आंसर एक्यूरेट आते हैं, 100% अगर आपकी एक्यूरेसी होती है, तो ये वीडियो आपने बहुत ध्यान से देखा है। या फिर आपको पहले से कुछ पता था इसमें से क्वेश्चन, तो आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही है। तो अभी हमको सेकंड का राइट आंसर देखना है। क्या है सेकंड का राइट आंसर? है बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? ठीक है, अब देखिए चार ऑप्शंस आपको दे दिए इसने, तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब आपका बिल्कुल सही जा रहा है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या है। गोंडवाना लैंड। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका बुंदेलखंड के पठार से। और उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जनपद दक्षिण के पठारी भूभाग के अंतर्गत नहीं आता है? याद रखना, नहीं आता है पूछ रहे हैं यहाँ पर। आप कहीं आता है रहा करके जल्दीबाजी में, आप कोई गलत आंसर आके आए तो नहीं है, फिर भी आपको फोकस रखना है। मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं, पूछता है नहीं, वो नहीं पे गौर करते, नहीं है वो आता है कि के अंतर्गत आता है, तो आपको लगता है तो फटाफट आप आंसर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है आगरा नहीं आता है, बाकी सब ये चीजें आती हैं। उत्तर प्रदेश में भावर के तंग पट्टी किस क्षेत्र में मिलती है? तो ये मिलती है आपकी कंकरीले क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है क्या? तो ये सम्मिलित नहीं है नीलगिरी की पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी सोनाकार एवं कैमूर किस जनपद में अवस्थित है? तो उसका नाम बताइए। तो उसका जो नाम है वो है आपका मिर्जापुर, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है? तो ये सबसे जो ऊंची पहाड़ी है इसका नाम है सोनाकार। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? अभी हमने पढ़ा था, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन एक से लेकर के 10 तक जो भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखना इसका। इसका राइट आंसर है 650। क्या आंसर है इसका? 650। ये रही आपकी आंसर की फाइनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। इस चैनल पर आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, ढेर सारी किताबों की कंप्लीट वीडियो। जाइए इस चैनल के प्लेलिस्ट में और देखिए इन सभी बुक के वीडियो, जी हाँ कंप्लीट वीडियो। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने ट्विटर पे, आप जो भी नेटवर्किंग साइट यूज़ करते हैं, उन सब पे इस यूट्यूब के वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करिए। आप भी आगे बढ़िए और औरों को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और उत्तर प्रदेश की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट से मैं एक बार कहना चाहूँगा कि एक बार उत्तर प्रदेश की प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। उन सभी क्वेश्चंस को देखिए, तरीके से देखिए, रिवीजन करिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए अपना, और एग्ज़ाम देने जाइए। डैम श्योर आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। इसी के साथ लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।